सबसे पहले दूध को हम चलाते हुए मीडियम हीट पर बॉईल करेंगे। दूध बॉईल हो चुका है और हमने हीट को लो कर दिया है। 3 टेबलस्पून नींबू का रस हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चलाते जाएंगे। अगर 3 टेबलस्पून नींबू के रस से आपका दूध ना फटे तो आप और भी नींबू का रस ले सकते हैं। दूध फट चुका है, पनीर अलग हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे और इसका सारा पानी निकाल देंगे। अब हम इसके ऊपर पानी डालेंगे ताकि नींबू का फ्लेवर खत्म हो जाए। अब धोने के बाद हम इसको दबा दबा कर इसका पानी निकाल देंगे सारा। अब हम इसको दबा दबा कर जमाएंगे। आप चाहें तो 1 घंटे के लिए इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रखकर छोड़ दें।